नमस्कार, इजी केस पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपके पास मोर्फो का फिंगरप्रिंट डिवाइस है और इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक, ऐसा अगर एरर आ रहा है तो इसका क्या समाधान है, जिसे आप एक मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं खुद से। जी हाँ, अगर मोर्फो का फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करने को आया होगा या आ सकता है, इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक। यह मैं किसी कंपनी का AEPS के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये मोर्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस का ये एरर है, इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक। ये किसी AEPS या किसी CSP संबंधित इशू नहीं है। जब आप फिंगर लेते हैं तो इस तरह का एरर आपको आ जाता है, ये मोर्फो फिंगरप्रिंट का एरर है। इसका 100% सॉल्यूशन एक मिनट के अंदर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इजी केस पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से बराबर अपलोड होते रहता है, जो कि हमारा 4 साल का AEPS अनुभव के आधार पर हम आपको वीडियो साझा करते हैं और सही और सटीक जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बैंकिंग AEPS संबंधित आप भी काम करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक, ऐसा अगर एरर आ रहा है तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कई रिटेलर, कई भाई बंधु ये ऐसा समझ लेते हैं कि ये इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक जब फिंगर लेने के बाद ये प्रॉब्लम आता है तो बैंक का सर्वर को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, या बैंक की प्रॉब्लम सर्वर या लिंक फेल ऐसा कुछ समझ लेते हैं। लेकिन ये बैंक सर्वर के वजह से नहीं होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का CSP AEPS चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी भी बैंक सर्वर के वजह से नहीं होता है। ये प्रॉब्लम जो होता है ये फिंगरप्रिंट डिवाइस के कारण होता है। जब आप फिंगर लेते हैं, फिंगर लेने के बाद इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेगा टेक, ऐसा एरर आपको बार बार शो करता है जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ, जो कि दो तरह का प्रोसेस से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस भी मोबाइल में आप यूज करते हैं उस मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहला आपको ये करना है कि मोबाइल का सेटिंग में जाना है। जो भी मोबाइल आप यूज करते हैं मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद ऐप या एप्लीकेशन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होगा, आप अपना मोबाइल में चेक करेंगे। चेक करने के बाद मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपको कई सारे मोबाइल में एडिशनल सेटिंग में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। ऐसा लिख के जब आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन हमारा मोबाइल में जो है वो ऐप के नाम से है। तो ऐप पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल में जितने सारा एप्लीकेशन होगा सारे के सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है सारे के सारे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोर्फो का ऐप को हम ढूंढेंगे कि मोर्फो का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब मोर्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस मोबाइल में यूज करते हैं तो उसके लिए मोर्फो का ये मोर्फो SCL RD सर्विस मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। इस मोबाइल में ये मोर्फो एप्लीकेशन में जो है आपको क्लियर डाटा करने की ज़रूरत होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लियर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ जो है यहाँ पे आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही जब आप बैक करके फिंगरप्रिंट डिवाइस को स्विच ऑफ एक बार मोबाइल करके ऑन कर लें और उसके बाद फिंगरप्रिंट डिवाइस को लगाएंगे, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि क्लियर डाटा करना है, आप जैसे चाहें आसानी से कर सकते हैं। मोर्फो का सबसे पहले मैं प्रोसेस एक बार रिपीट कर देता हूं। मोर्फो का एप्लीकेशन को ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमने क्लियर कैच कर दिया है, तो इसलिए यहां पे हमें ऑप्शन नहीं बता रहा है। या फिर यहां से भी आप देख पा रहे हैं क्लियर कैच वगैरह जो भी क्लियर डाटा यहां पे जो भी रहेगा, अभी 00 हमारा शो कर रहा है। अगर आपका वहां पे वायरस वगैरह बना लेता है एप्लीकेशन जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, तो अभी हमने यहाँ पे क्लियर डाटा कर दिया है इस वजह से ये हाइड हो चुका है। तो यहाँ से क्लियर डाटा कर लेंगे, ओके करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये क्लियर डाटा एप्लीकेशन का हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करिए और फिंगरप्रिंट डिवाइस को लगाइए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि आपको सबसे पहले आसान तरीका, अगर आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर जाके आप नहीं कर सकते हैं तो आप मोर्फो का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं अनइंस्टॉल का, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो
आसानी से आप इस तरह से मोर्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस में अगर इनवैलिड एमसी अंडर मेगाटेक एरर आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।